आड़ा संयुक्त डिवीजन के माओवादियों की मौजूदगी पर आपको बताते चले कि मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई है। वहीं इस मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को ढेर भी किया है, जबकि दो नक्सलियों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल से सुरक्षा बलों को राइफल, बैनर और पैम्पलेट बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि दोनों तरफ से करीब 100 से 150 राउंड फायरिंग हुई, तो जिसके बाद नक्सली जंगल की ओर भाग गए। फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। दो नक्सलियों के घायल होने की खबर है, तो एक के ढेर होने की खबर सामने आई है। घटनास्थल से राइफल, बैनर और पैम्पलेट बरामद किए गए हैं। भैंसा मुंडा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से करीब 100 से 150 राउंड फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। से जानकारी मिली थी कि धमतरी और गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए करीबन 20 से 25 की संख्या में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नक्सली वहां पर एकत्रित हुए हैं। इस जानकारी को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उनके द्वारा ऑफ प्लान तैयार किया गया और फिर उसके बाद DRG नगरी की टीम को वहाँ पर रवाना किया गया। एक जहाँ पर नक्सलियों को होने की जानकारी थी, एक पार्टी वहाँ पर अटैकिंग पार्टी बनाया गया और दूसरी कट ऑफ पार्टी बनाया गया। पुलिस को देख करके नक्सलियों ने पुलिस के ऊपर फायर खोला। पुलिस द्वारा अपने बचाव के लिए जवाबी कार्रवाई की गई और पुलिस की कार्रवाई में एक नक्सली मौके पर मारा गया। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी पूनम शुक्ला जुड़ चुकी हैं। पूनम, क्या कुछ जानकारी इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि धमतरी जिले के जो नगरी क्षेत्र अंतर्गत भैंसा मुंडा के जो जंगल में मैनपुर वहां पर संयुक्त डिवीजन के जो नक्सल की उपस्थिति होने की जो सूचना है वो पुलिस को मिली थी, तो मौके पर पुलिस जो है रवाना हो गई और इसमें नगरी DRG और गरियाबंद की जो संयुक्त टीम थी नक्सली विरोधी अभियान पर निकली थी। मौके पर जब वो पहुंची तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों ने देखा और वो फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से जो है 100 से 150 राउंड जो है गोलियां चली। वहीं नक्सली जो है जंगल से भाग निकले। कुछ जो नक्सली हैं इसमें आ गए और नक्सली को जो है सुरक्षा बलों ने जो है मार गिराया। एक नक्सली ढेर होने की सूचना जो है मिली है और कुछ जो सामग्री है जो उनसे जो है बरामद किया गया है, जैसे एक राइफल है, बैनर है और पाम्पलेट भी जो है उनके साथ जो है अन्य सामान भी जो है बरामद किए गए हैं और अभी भी जो उस एरिया में जो है सुरक्षा बलों की जो है सर्चिंग अभी भी जारी है। बिल्कुल, सर्चिंग फिलहाल जारी है, लेकिन क्या कुछ बताया जा रहा है कि आखिर ये लोग कौन से गुट से शामिल थे? नक्सलियों के भी अलग अलग गुट होते हैं, ग्रुप होते हैं। ये जो थे नक्सलियों की जो है 20 से 25 की जो टीम थी बड़ी घटना को जो है अंजाम देने के लिए उस स्थान पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बड़ी घटना को अंजाम देने तो पहुंचे जरूर थे, लेकिन जैसे ही पुलिस के जो सुरक्षा बल जो है वहां मौके पर पहुंच गए और इनके बीच जो है फायरिंग शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा हादसा जो है टल गया, लेकिन सुरक्षा बलों को जो है एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि एक नक्सली ढेर हो गई और 2 से 3 जो है नक्सलियों की जो है घायल होने की अभी भी सूचना मिली है। बिल्कुल, क्या आगे भी इसी तरह से मुठभेड़ की स्थिति या फिर सर्चिंग की स्थिति देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि लगातार वही क्षेत्र में जो है नक्सली के होने की जो है लगातार जो है सूचना मिल रही है और अभी भी जो है सुरक्षा बल जो है वहां डटे हुए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा बल डटे हुए हैं।